हवा के पर लगा लेते, उसे भी साथ उड़ा लेते। ये दिल दीवाना हो जाता, उसे अपना बना लेते। मौला यूं चलते साथ जैसे दो सितारे साथ चलते हैं, मगर वो रात को और हम यूं ही दिन रात जलते हैं। अखियां निमाणी तेरी दीवानी इतनी सी है इश्क कहानी, बोला तेरे सदके रब्बा तेरे सदके इश्क बने ना दर्द कहानी। चले भी क्या तुम्हारे अलावा परी की कोई करीबी सहेली है? मेरे मतलब कॉलेज वगैरह में या गली मोहल्ले में यहीं आस पास? नहीं, ये क्यों पूछ रहे? इश्क बने ना दर्द कहानी। बिल्कुल ठीक, यही तो मैं कह रही हूँ कि परी का जीवन तन्हा रहना ठीक नहीं है, किसी मर्द का उसके साथ होना बहुत जरूरी है। कोई अच्छा सा मुनासिब रिश्ता देखकर उसे रुखसत कर दे, अब इस मसले का यही हल है। लेकिन रिश्ते दरख्तों पर तो लगे नहीं होते कि मैं परी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तोड़ लाऊं, देर लगती है। मौलवी साहब, हाँ आप इरादा तो कीजिए, अरे मिलते मिलते कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता मिल ही जाएगा। मैं आज ही सुग्रा से बात करती हूँ, उसकी एक दो जानने वाली हैं जो अच्छे और मुनासिब रिश्ते तलाश कर सकती हैं। आप फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा। देख रहे हैं आप अब्बा, आपकी जान से प्यारे बेटे जिसे आपने सदा अपनी पलकों पर बिठाया, जिसके माथे पर कभी एक शिकन भी नहीं आने दिया, आज आपकी वही लाडली पर लोगों पर बोझ बन गई है। कोई उसे मुट्ठी भर भी छत देने पर राजी नहीं है। आप क्यों चले गए अब्बा? अपनी परी को तन्हा छोड़ दिया आपने, मुझे भी अपने पास बुला ले, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती। आपके बिना तन्हा अकेले जिंदगी का बोझ उठाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए अब्बा, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मुझे भी अपने पास बुला ले अब्बा। सलाम अर्ज करता हूँ खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। मैं तो समझी थी आज रात तुम लोग अपने घर पे गुजारोगे, इतनी भी क्या जल्दी थी, कल आ जाते। मैं तो कह रहा था खाला कि रुक जाओ, पर इससे अपनी सहेली बहुत याद आ रही थी, कहने लगी मुझे घर ले जाए। बेटा इसका तो दिमाग खराब है, इसकी बातों में मत आया करो, शादी के बाद लड़की अपने घर में ही अच्छी लगती है। मैं क्या कहूँ खाला, किसी भी किस्म की जोर या जबरदस्ती करूंगा तो आप और मौलवी साहब नाराज ना हो जाए कि अकरम हमारी बेटी पर सख्ती करे। मैं किसी भी सूरत आपकी और मौलवी साहब की नाराजगी मोल नहीं ले सकता, बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, आप तो जानती हैं सब। जीते रहो बेटा, अरे ये तो तुम्हारी सादत मंदी है, लेकिन बेटा अगर शौहर अपनी बीवी की इसलाह के लिए उसे कोई हुक्म देता है ना, ये सख्ती या जबरदस्ती नहीं कहलाती। कभी कभी ज्यादा प्यार बिगाड़ का बाइस बन जाता है। अच्छा तो यानी आपके और मौलवी साहब की इजाजत, फिर इस बात पर गिला तो नहीं करेंगे आइंदा? कसम ले लो बेटा, जो इस बात पर हमारे माथे पर कोई बल भी आ जाए। हमने अपनी बेटी की तरबियत ऐसी नहीं की बेटा कि उसके निकाह के बाद हमारे घर का दरवाजा उसके लिए हमेशा के लिए खुला रहे। रुखसती के वक्त उसे ये नसीहत की थी कि अगर उस घर से लौटना, सफेद कफन पहन कर ही लौटना, तो उसे किसी रंग में
दहलीज पार ना करना। मैं जानता हूँ खाला, बहुत आला तरबियत की है आपकी नाहिद। अभी तो पूरा मुल्तान और पंजाब छोड़कर मैंने इस घर से रिश्ता नहीं जोड़ा। मेरी भाभी तो अंदर ही अंदर अब भी मुझसे नाराज है कि मैंने उनकी बहन को क्यों नहीं अपनाया। अरे हाँ बेटा, मुल्तान से याद आया, तुम नाहिद को कुछ दिनों के लिए मुल्तान का चक्कर क्यों नहीं लगवा लेते? अच्छा है ना, इसी बहाने वो तुम्हारे पूरे खानदान से भी मिल लेगी। अगले महीने मैं और मौलवी साहब भी मुल्तान जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। देखो ना, तुम्हारे भाई और भाभी नाहिद के निकाह पर इतना कुछ दे गए हैं, अब हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हारे खानदान वालों को कुछ लौटा दें। जी क्यों नहीं, क्यों नहीं खाला, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सब इकट्ठे एक ही दफा मुल्तान जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बिल्कुल सही फरमाया आपने शराफत साहब, नफसा नफसी का दौर है, अब तो खुद ही वक्त निकालना पड़ेगा। हाँ तो बस फिर तय रहा, अगले हफ्ते जो लोग जा रहे हैं मुल्तान सीरत कॉन्फ्रेंस के लिए, मौलवी साहब उनकी क़यादत आप ही करेंगे। देखें ये हम सबका इसरार। सच्ची बात तो ये है कि मेरा जी भी खुद चाह रहा था मुल्तान जाने को, वो बेटी का ससुराल जो वहाँ पे है, तो घरवाली का तो इसरार रोज यही होता है कि एक बार हो आए। देखिए अल्लाह ने कैसा मौका बना दिया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीरत कॉन्फ्रेंस है, उनकी शान मुबारका में अपने टूटे फूटे अल्फाज से गुलहाए अकीदत पेश करेंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए खुद ब खुद ही तो सबब बन गया है। तो फिर ऐसा करते हैं ना कि मैं मुल्तान की इंतजामिया को इतला कर देता हूँ, 3 दिन की ही तो कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद जो आपका जी चाहे रुक जाइएगा। सौदर साहब पहले घरवाली से तो मशवरा करने दें, क्या पता दामाद और बेटी भी साथ चलने को तैयार हो गए, घरवाली तो पहले ही तैयार बैठी है, हो सकता है हमें कुछ ज्यादा ही ठहरना पड़ जाए। चले ठीक है, कर ले मशवरा, जरूर करें। भाई देखें ना, हमें तो खुशी इस बात की है कि आपका कयाम इसी शहर में रहेगा, मस्जिद में ना सही दामाद के घर सही, आपसे मुलाकातें तो रहेंगी कम से कम। हाँ इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। आई, आई, आई। क्या तुम भी यही कह रही हो? तुम तो मेरे दिल की हालत अच्छी तरह जानती हो ना, फिर भी मैं तुम्हारे दिल को समझती हूँ, लेकिन ये मास्टर कि दिल के जख्मों को नहीं कुरेदता, हमारा दुख दर्द असियत दर्द किसी की परवाह नहीं होगी, 40वें के बाद सबकी जबान पे वही सवाल होगा जो आज अपनी के जबान पे सवाल है, इसलिए बेहतर ये होगा अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें। लेकिन क्यों क्यों मैं अपने घर में बुआ के साथ नहीं रह सकती, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। बुआ 3 बार आ चुकी है लेकिन अब्बा ने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी, बुआ के जहन में भी यही बात है, वैसे भी बुआ की सेहत अब ये इजाजत नहीं देती कि वो मजीद कोई परेशानी उठाए। देखो तुम्हें एक सहारे की जरूरत है, मैं किससे गिला करूं, मेरी अपनी सहेली अपनी बहन ही मेरा दर्द नहीं समझ पा रही। मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझती हूँ, मैंने इसलिए ये फैसला किया है। कैसा फैसला? किसी भी तरह कल तैमूर के पुराने ऑफिस जाऊंगी, हमें उसे किसी भी तरह बताना होगा कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचे। देखो पर
एक वही है जो तुम्हारे हर गम समय तुम्हें इस दुनिया से दूर ले जाएगा। जिस शख्स की वजह से मेरी इतनी बदनामी हुई, जिस बदनामी का नीला जहर मेरे बाप की जिंदगी निकल गया, उस शख्स से मैं निकाह कर लूं ताकि दुनिया वालों को एक और मौका मिल जाए बातें करने कि परी के दामन में जो दाग लगा था वो सच्चा था। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की हरगिज़ इजाजत नहीं दे रही। देखो, इस दुनिया की तुम छोड़ दो, ये दुनिया तो तुम्हें किसी हाल में भी खुश नहीं रहने देगी। और जो भी हादसा तुम्हारे साथ गुजरा उसमें ना कसूर तुम्हारा है और ना ही तैमूर का। इसकी सजा तुम उसको और अपने आप को मत दो और अपने दिल के अंदर झांको और मुझे बताओ, क्या तुम्हें अभी भी वो याद नहीं आता? मैंने अपने दिल के अंदर झांकना बहुत पहले छोड़ दिया था। उसके अंदर अंधेरों के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। मुझे सारी उम्र इन्हीं अंधेरों में रहना पड़ेगा। नहीं, मैं तुम्हें इन अंधेरों से निकालूंगी। ये अंधेरे तुम्हारा सदा मुकद्दर नहीं रहेगा। के लिए भेजा है मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े। बस अचानक ही बुलावा आ गया सीरत कॉन्फ्रेंस का। अब देखो कब किस्मत में सफर लिखा है। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी दुआएं कबूल हुई। मैं तो कहती हूँ अकरम और रहीद को भी अपने साथ ले जाए, अच्छा है ना? मेरे सारे शकों को शुबात दूर हो जाएंगे। हाँ, कल बात करूंगा अकरम से। वैसे मैंने अभी तक किसी से जिक्र नहीं किया, तुम नहीं चलोगी क्या? पहले तो पंजों के बल तैयार बैठी रहती थी मुल्तान जाने के लिए। अरे मैं जाऊं या आप जाएं, एक ही बात है ना, फिर यहाँ परी अकेली होगी। हमारा मकसद तो उन सबसे मिलना है ना। मेरी आप फिक्र ना करें, मैं बुआ को बुलवा लूंगी, परी भी होगी यहाँ। आप लोग बस बिस्मिल्लाह करें। कब जा रहे हैं सब लोग? अगले जुमे बाद अज़ नमाज़ आसर। अब देखो, फिलहाल तो यही प्रोग्राम है बशर्ते ज़िंदगी। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर तुम्हें यकीन हो ही गया है कि नाहिद भाभी नहीं वो खत पहुंचाया था अफसर तक, तो तुम उससे खुल के बात कर क्यों नहीं लेते? खामखा इस मामले को इतना लंबा क्यों लटकाना है? अरे गामड़, वो तेरी भाभी जो है ना, इतनी कच्ची नहीं है। उसे परी का दोस्ती का भरम बना कर रखा है सब पर। पहले मुझे उसके भरम को तोड़ना होगा। और तो परी तो नाहिद के बगैर सांस भी नहीं लेती। सही कह रहे उस्ताद, इस वक्त तुम्हारे मुकाबले में सब लोग बात ज्यादा नाहिद भाभी की ही सुनेंगे। अब थी ना तू नकल वाली बात। अच्छा सुन, तेरी वो खाला तो पक्की है ना, बात बिगाड़ तो नहीं देगी? कौन, सल्लू की माँ? हाँ हाँ, बचपन का जिगर दोस्त है अपना। बरसों से उसकी माँ काम कर रही रिश्ते कराने का। बचपन में अपना सल्लू भाग गया था कैसे बस, फिर मैंने भी उसके घर का रुख करना छोड़ दिया। अब तुम्हारे कहने पर जा रहा हूँ उनकी तरफ में। खाला पक्का काम ही करेगी बस। काम पक्का होना चाहिए। बैठ। पक्का ना, यही मकान है? क्या बात कर रहे हो उस्ताद, इन्हीं गलियों में तो खेल कर बड़ा हुआ हूँ। बस दुआ करो खाला ने मकान बेच ना दिया हो। दुआ तो ये भी करनी चाहिए कि खाला जिंदा हो। चल खटखटा। खाला दूध पत्ती है खाला। अरे नाहिद बिटिया, अब आ भी जाओ। अरे कब से राह देख रही हूँ। कब से तो मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ, आती शोर मचा दिया तुमने। अच्छा चलो अच्छा, चलो चलो। अरे ये तुम दोनों कहाँ चल पड़ी सवेरे? वो बाजार जा रही हूँ, अपने लिए कुछ सामान लेना था और फिर बुआ को परी के लिए लेना था कुछ। यूं अचानक? ये रात तक तो कोई इरादा नहीं था तुम्हारा। अरे इरादा बनने में कोई वक्त लगता है क्या? बन गया इरादा। मुझे भी परी का कुछ जरूरी सामान लेना है,
तो नाहिद ने कहा, मैंने कहा चलो बेटिया मैं साथ चलूं। अब चलो ना, देर हो जाएगी, दोपहर तक आते हैं। चलो मुझे तेरी बात समझ में नहीं आई, रिश्ता करवाना है या तोड़वाना है? वैसे तो जकिया ये दोनों ही काम करती है, लेकिन तोड़वाने के ज्यादा पैसे लगते हैं। अरे खाला जी, रिश्ता जोड़ने वालियां तो ढेरों हैं शहर में, हमें तो तोड़ने वाली की तलाश है। और खाला, तुम्हारा तो बरसों का तजुर्बा है रिश्ता तोड़ाने में, इसलिए तो मैं अकरम उस्ताद को तुम्हारे पास ले आया। चल तू चुप कर बे। खाला पैसों की तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, लेकिन काम पक्का होना चाहिए। काम मगर तेरा कुछ अजीब सा है। पहले लड़की का रिश्ता लेकर जाना है, वहां जाके रिश्ते की बात चलानी है, और रिश्ता भी नहीं करवाना है। ये बात कुछ अपनी समझ में नहीं आई। ओहो खाला, ठहरो मैं समझाता हूँ। देखो बात सिर्फ इतनी सी है, हाँ हाँ मैं तो समझ गई थी कि जरूर कोई अहम बात होगी, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? हम पहले तैमूर साहब के ऑफिस जा रहे हैं। क्या तैमूर? आए वही अफसर? हाँ जी बोल। आप लोग चाहते हैं ना कि परी ब्याह जाए, अपने घर की हो जाए, तो फिर यही ठीक है। आए हाँ हाँ, मगर इसका ये मतलब भी तो नहीं कि मैं अपनी बच्ची का हाथ उसी के हाथ में थमा दूँ जिसकी वजह से इस घराने पर इतनी मुश्किलात आन पड़ी। वो एक हादसा था, आप लोग भूल क्यों नहीं जाते हैं? और वही है तैमूर जो परी को अपने हाथों का छाला बना कर रखे, वही उसके लिए बेहतर है। आप लोगों को इस बात को समझ जाना चाहिए। और अम्मा का बस चले ना, तो वो किसी भी ऐरे गहरे के साथ परी को ब्याह कर अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाए। मगर मेरा दिल नहीं। ओहो अपने दिल की नहीं, दिमाग की सुन। परी के दामन में जो दाग लगा हुआ है, अगर उसकी कहीं और शादी हो भी जाती है, वो दाग तो वहीं का वहीं रहेगा ना। अगर तैमूर से शादी होती है तो वो दाग मिट जाएगा, उसका पीछा नहीं करेगा, इस बात को समझे। मैं कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन परी कभी नहीं मानेगी। उसको अपनी जिंदगी का वास्ता देकर मनाऊंगी। वो नहीं जानती कि ये दुनिया कितनी चाले चलती है, और यहाँ पर भेड़िए बैठे हैं जो निकल जाना चाहते हैं उससे। हाँ ठीक ही कहती, अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करे, उसके नसीब अच्छे करे, आमीन। बस दुआ करें कि तैमूर साहब वापस आ गए। भाई जल्दी से लाओ। अच्छा खाला, दरवाजा बंद कर रहा हूँ। वैसे पक्की लग रही तेरी खाला, दुआ कर काम कर ले अपना। तुम फिक्र ही ना करो साथ, ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है। बड़े बड़े घर तोड़े हैं उसने, और परी भाभी का तो अभी घर बसा भी नहीं है। तुम बस देखते जाओ खाला करती क्या है। खाला रखिया का जादू। चल सर, दो औरतें आई हैं आपसे मिलने। औरतें? यार कितनी बार बोला है कि ये सीट मांगने वालों को सीधा रिजर्वेशन भेज दिया करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। सर मैंने बोला था, वो बोल रही है कि आपसे ही काम है। अच्छा बिठाओ ने, मैं आता हूं। ए आप, बाकी सब कहाँ? आप अंदर आ जाएं, चची अंदर ही। अगले जुमे मौलवी साहब सीरत कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं मुल्तान। वो वापस नहीं आएगा। अगर उसने वापस आना होता तो वो ऐसे बगैर बताए जाता ही क्यों? वो एक इंतहाई बुज़दिल और जमाने की रस्मों से बंधा हुआ एक मतलबी शख्स है। इश्क परे ना दर्द कहानी। बाजार गई है बुआ के साथ। सुबह सुबह ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी खाला? कुछ चाहिए था तो मुझे बता दिया होता, मैं ला देता। हाँ, मैंने भी यही कहा था बेटा,
अगर उस बुआ को तो जानते हो ना, अरे लपक छपक आई और खड़े खड़े हथेली पर सरसों जमाने की तैयारी करने लगी। बिना कुछ बताए दोनों निकल गई। कह रही थी कि अपने लिए और परी के लिए कुछ जरूरी चीजें लेनी थी। जो भी था खाला, मुझे बता दिया होता मैं ले आता। बहरहाल आज चाय नहीं पूछेंगी खाला? अब क्यों नहीं बेटा, मैं बनाकर लाती। नहीं नहीं चाची, आप बैठे अकरम भाई के साथ, मैं चाय ले आती। अब मैं कह रहा था चीनी जरा कम रखिएगा। आप तो गालबन वही है ना जो? जी मैं वही हूँ, पहले भी आई थी लेकिन इस बार एक इमरजेंसी है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि तैमूर साहब फॉरेन ट्रेनिंग से वापस आ गए हैं या नहीं। उनके आने में तो अभी वक्त लगेगा। अच्छा मेरी खातिर एक काम करते हैं, आप हेडक्वार्टर से मालूम करके बता देंगे वो पाकिस्तान कब तक आएंगे। देखिए जी, मैंने आपके कहने पर लाहौर स्टेशन और इस्लामाबाद मिनिस्ट्री में बात की थी लेकिन दोनों जगह से एक ही जवाब मिला है कि तैमूर साहब के आने में अभी 1.5 माह लग सकता है। ये तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा आपके पास कोई सेल फोन नंबर उनका? देखिए जी, यहाँ वाला नंबर तो उनका ऑफ जा रहा है और बाहर वाला नंबर मेरे पास है नहीं। वैसे खैर तो है, हुआ क्या है? परी का उसके अब्बा के अलावा कोई खूनी रिश्ता नहीं और जब से उनका इंतकाल हुआ है तब से उसकी रुखसती की बातें चल रही हैं और मैं जानती हूँ कि तैमूर साहब उसको कितना चाहते हैं। कि उनकी जिंदगी का सवाल है, मैं चाहती हूँ वो पाकिस्तान जल्द से जल्द वापस आ जाए और मेरे अम्मी अबू से परी का रिश्ता मांगे। इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि हाँ होगी, इनकार नहीं होगा, मैं मना लूंगी। आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप ये काम करवा दे तो, उनकी जिंदगी का सवाल है। देखिए जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पैगाम तैमूर साहब तक पहुंचा सकूं। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, मुझे अब बस आपका ही आसरा है और मैं जानती हूं कि परी और तैमूर एक दूसरे की जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। और एक और चीज के लिए आपके पास हाजिर हुई थी, वो शबीर चचा की पेंशन और प्रोविडेंट फंड का क्या बना, अगर आप जल्द से जल्द करवा दें बहुत अच्छा हो जाएगा, परी को इस वक्त बहुत ज़रूरत है। इस बात की तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें क्योंकि इस केस को मैं खुद देख रहा हूँ, इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में सारे कागजात प्रोसेस हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं अभी तुम्हारे यहाँ आने का सोच ही रहा था, अच्छा वो तुम यही मिल गए। बैठो बैठो बैठो। हाँ खैरियत तो थी? ओ, मैं बताना भूल गई, अगले जुमे मौलवी साहब सीरत कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं मुल्तान। इसी बहाने तुम्हारे खानदान से भी मुलाकात हो जाएगी। मुल्तान? हाँ, वो काफी दिन से मैं सोच रहा था मुल्तान जाने के लिए लेकिन कोई मौका ही नहीं मिला। अब अल्लाह ने मौका बनाया, सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है, तुम लोग भी हमारे साथ चलो? हाँ जी बिल्कुल, सोचा जा सकता है इस बारे में। मैंने बस नाहिद से अभी तक डिस्कस तो नहीं किया। ये कौन सी ऐसी बात है, मशवरा करने में कौन सी देर लगती है, बात कर लो मियाँ बीवी। अच्छा है अब मैं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ ही चले चलो, वो क्या कहते हैं कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे हैं? जी ठीक कह रहे हैं आप, इसीलिए तुम बेहतर है कि हमारे साथ ही चलो। जी मैं बात करता हूँ नाहिद से। हाँ वो याद आया, कल शबीर भाई का 40वां है तो वो दुकान के लड़कों को जरा भिजवा देना, थोड़ा हाथ ही बटा देंगे। जरूर क्यों नहीं। क्यों क्यों
पाओगे तो आप मुझसे अपनी परी से दांता तोड़ दिया था। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैं अपने आप से खफा तो मैं अपनी परी से कब खफा हो सकता हूँ। मैं नाहिद नहीं आई अभी तक। उसका मियां कितनी देर बैठ बैठ कर चला गया वापस। पता नहीं क्यों देर कर दी। अरे इसीलिए मैं बुआ के साथ नहीं भेजती नाहिद को। सारे जमाने की खरीदारी एक ही दिन करनी होती है उसने। वैसे बेटा एक बात कहूं, अगर बुरा ना मानो तो? मैं आपकी किसी बात का बुरा क्यों मानूं? देखो नाहिद का मियां लाख अच्छा सही, मगर कोई भी शोहर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी अपना घर बार छोड़कर हफ्तों में के जाकर बैठी रहे। आज मैंने पहली बार अकरम के माथे पर बल देखा है। ये जो नाहिद उसे पूछे बिना बाजार चली गई है। अरे तुम ही समझाओ उसे, मेरी तो सुनती नहीं है, कि वो अपने घर वापस चली जाए। ऐसे भी वो तुम्हारी वजह से रुकी हुई है यहाँ। आप ठीक कह रहे हो, मैं नाहिद को जरूर समझाऊंगी, लेकिन आज भी मौलवी चचा को समझाइएगा कि कल अब्बा के 40वें के बाद मैं घर जाना चाहती हूँ। अब कब तक मैं किसी और के घर रहती रहूँगी? मैंने बुआ से बात कर लिया, उनका छोटा पोता भी हमारे पास आके रहेगा, वो अपने मैट्रिक के इम्तिहान के लिए आ रहा है, कोई मसला नहीं होगा। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, कहती तो तुम भी ठीक हो। ये मौलवी साहब माने या ना माने ये कहना मुश्किल है। तुम भी सच ही कहती हो, अपना घर आखिर अपना होता है। कहीं अपने घर जैसा सुकून कहीं और तो नहीं मिल सकता ना? आए मैंने कहा मौलवियानी जी कहाँ हो, एक ग्लास शिकंजबीन का शरबत ही पिला दो। लो आ गई, अब ये सारी दोपहर सर खाएंगी। लेकिन तुमने नाहिद से बात जरूर करनी है, समझ गई ना मेरी बात? पता नहीं यार मौलवी को क्या मौत पड़ी जो मुल्तान जाना है इसने। उसे इस बुढ़िया ने तंग कर रखा है, इस बेटी की ससुराल की फिक्र ने मार डाला। आगे क्या सोचा है? जब तक मेरी परी से शादी की बात सब पर खुल नहीं जाती, मुझे अपनी शनाख्त छुपाए रखना जरूरी है। दोस्तों को बिगड़ो चलो भाई, 40वां भी गुजर गया, वक्त कैसे पर लगा के उड़ जाता है। अभी कल ही की बात है, मनु मिट्टी के नीचे शब्बीर भाई को दफनाया था। ठीक कहते हैं आप, वक्त भला कभी किसी के लिए रुका है? परी और नाहिद नजर नहीं आ रही, अपने कमरे में है। आप अकरम से कहिए नाहिद को भी साथ लेकर जाए, बहुत रैली घर से बाहर, अब जाए जाकर अपनी घर गृहस्थी संभाले। हाँ कह दूंगा, ऐसे सच्ची बात है कि अकरम और उसके लड़कों ने सारा काम संभाल लिया था, वरना मेरे बस की बात नहीं थी।
सफदर भाई भी अब बीमार रहने लगे हैं। चलो अच्छा है, मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं, थकन दूर हो जाएगी। हाँ ले आओ। लाती हूँ। ये 40 दिन 40 सदियों की तरह गुजरे हैं मुझ पर। सोचती हूँ आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी उनके बगैर। काश आज भी मुझ जैसी बदनसीब लड़कियों को जिंदा दफनाने का रिवाज कायम होता तो मैं अब्बा के पहलू में जाकर लेट जाती। मत किया करो ऐसी बात, तुम्हारे लिए बहुत सी खुशियां, बहुत सारी जिंदगी बाकी है। नहीं चाहिए मुझे कोई खुशी, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती मैं मजीद। तुम अपने घर जाओ और मैं बुआ से कहकर अपने घर की सफाई करवाती हूँ। उस चार दीवारी में उनकी यादें तो जिंदा होंगी ना, होना सही उनकी यादें से। मैं और बुआ शबीर चाचा के दफ्तर गए थे उनकी पेंशन और प्रोविडेंट फंड के मालूम करने के लिए। वो कह रहे थे कि जल्दी हो जाएगा। मैं जानती हूँ तुम वहां क्यों गई थी, तुम क्यों मुझे अपनी नजरों में गिराना बंद नहीं कर देती बार बार। वो वापस नहीं आएगा, अगर उसने वापस आना होता तो वो ऐसे बगैर बताए जाता ही क्यों। वो एक इंतहाई बुज़दिल और जमाने की रस्मों से बंधा हुआ एक मतलबी शख्स है। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती है? क्या पता उसे बात की संगीनी का इल्म ही ना हो, क्यों इतनी बदगुमान हो उसकी तरफ से। मैं अपने से और अपनी किस्मत से बदगुमान, मैंने खुशगुमान होना बहुत पहले छोड़ दिया था। और तुम मेरी फिक्र छोड़ो और अपने घर जाओ, अपनी घर गृहस्थी बसाओ और मुझे चच्ची के सामने शर्मिंदा करना छोड़ दो। ख्वाबों की ताबीर जाकर ढूंढो और मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो। हाँ तुम्हें क्या लगता है इस मामूली दुकानदार से शादी मैंने अपनी ख्वाबों की ताबीर पूरी करने के लिए की है? नहीं, ये शादी मेरे लिए एक सजा है। जब मुझे रोशन महलों के ख्वाब टूटते हैं ना तो उसकी किरचियां बहुत दूर अंधेरे वीरान में जाके खो जाते हैं। मैं भी ऐसे वीरान अंधेरों में खो चुकी हूँ। अब ये अंधेरा ही मेरा नसीब है। सलाम मौलवियानी जी। अरे वालेकुम अस्सलाम सुगरा, ये तुम हो? आओ बैठो ना। ये तकिया है, तेरा नंबर से आई है, बड़ी दूर से आई है तुम्हारे लिए अच्छी से खुशखबरी लेके। अच्छा आओ बहन बैठो ना। अरे आराम से बैठो। बड़ी तारीफ कर रही थी सुगरा आपकी, कल ही हम दोनों की मुलाकात हुई है। आपके खानदान सलीके के और नेक नामी के तो भाई गुण गा चुकी है बहुत ज्यादा। भाई मैं तो खुदा लगते कहती हूँ। क्यों मौलवियानी जी? अरे ये तो तुम्हारी मोहब्बत है ज़किया, मगर तुमने इनका मुकम्मल तारुफ नहीं करवाया। मेरा तारुफ कराने की क्या ज़रूरत है मौलवियानी जी, बस लोगों की खिदमत करती हूँ। हमारी बहुत पुरानी जानने वाली थी, उनको ढूंढते ढूंढते असुगरा के घर का दरवाज़ा खटखटा दिया। बातों बातों में आपका जिक्र निकला तो मैंने कहा भाई भाई मुझे तो ले के चलो, इसके सर हो गई और आपके घर बिला इजाज़त हम लोग आ गए, जबकि ये तहजीब के बात खिलाफ है। अरे नहीं नहीं बहन, और तुम 100 बार आओ, तुम्हारा अपना घर है। अरे ज़किया तो मेरी बचपन की सहेली समझो, कुछ भी छुपा नहीं है इसे हमारे घर का। बस आप दोनों की मोहब्बत ने मुझे यहाँ आने पर उकसाया है। अरे मौलवियानी, ये ज़किया पुरानी रिश्ता कराने वाली है। मैंने तो बड़ा जिक्र सुना था अपनी देवरानी से जब आप नासिर का रिश्ता नहीं करवा रहे थे। हाँ, तब इत्तेफाक देखो अब जाके मुलाकात हुई है। अच्छा ज़किया क्या पियोगी, शरबत या चाय?
ठंडा मशरूम पीऊंगी पहले, उसके बाद चाय पीऊंगी, बहुत प्यास लग रही है। अच्छा अभी ला दे। ये तो सारा सामान सूख गया। हाँ तो ना लगाया करना अपने मुंह पे। अरे वाला दूध पत्ती साथ। हाँ किधर रह गया था बे? आजा आजा अंदर आजा, चल पे मोहन पे आ रहे, तू लग जा काम पे। जो कहूँ साथ। बोल। खाला को अभी जाते देखा है वहीं। खाला लकिया ने मोहल्ले में को वापसी निकाल ली, वहाँ खड़ा इंतजार कर रहा था ना। अरे तेरी ये खाला तो बड़ी तूफान मेल निकली है, दो दिन में वापसी भी निकाल ली, मेरे ससुराल में पहला कदम भी रख लिया। वाह भाई वाह, वेरी नाइस, तो बड़ी काम की औरत है। काम तो नहीं था उस्ताद, तुम्हें तो माल जो लगाया उस पर। तो मैं तुम्हें कहा था ना खाला का जवाब कोई नहीं, सारा जमाना दम फटता उनके। मान के प्यारे मान, चल बस अब दुआ कर ये तीर निशाने पर जा लगे। वैसे उस्ताद एक बात समझ नहीं आ रही, सबका फायदा होगा क्या हमें? हमें बड़े फायदे होंगे, कभी कभी अंधा तीर भी चला देना चाहिए। बस समझिए खाला भी अपना एक अंधा तीर, और अगर ये निशाने पर जा लगा तो मेरा मकसद हल हो जाएगा। पर उस्ताद इससे तो भाभी की बहुत बदनामी होगी ना। हाँ मगर जो बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा? अरे मोहब्बत में इतनी बदनामी और रिश्ता उठाना ही पड़ता है ना। आप कभी कभी ना तो मुझे बहुत जालिम लगते हो कसम से। हम जालिम है नहीं, इश्क हमें जालिम बना दे। जो कहते हैं ना मोहब्बत और जंग में सब जायज हैं, तो तू मुझे बता इस दुनिया में मोहब्बत से बड़ी क्या जंग होगी भला? ये उस्ताद जो कहते हो तुम ठीक कहते हो, वो बात भी तो करो ना जिसके लिए इतनी दूर से चल के आई हो। नहीं नहीं बहन, ये तुम्हारा हक है, पहले तुम बात करो। ये रिश्ता तुमने बताया था, पर मैं बड़ी उसूल पसंद औरत हूँ, जो भी फीस लूंगी लड़के वालों से लूंगी और आधी तुम्हारी। वैसे भी लड़के वाले बड़े खाते पीते घराने के हैं, जो भी देंगे बड़ा कुछ दिल खोल कर देंगे। ये कोई मुझे भी बताए माजरा क्या है। चलो भाई मैं ही बता देती हूँ। ज़किया के पास बड़ा अच्छा रिश्ता है, लड़का सरकारी महकमे में बड़ी ऊंची पोस्ट पर है, अपना घर है, उन्हें अपने लड़के के लिए किसी शरीफ घराने की अच्छी सी लड़की की तलाश है। तुमने उस दिन जिक्र किया था ना? हाँ हाँ हाँ, बस मैंने सोचा अपनी परी से अच्छी लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी भला, क्यों? हाँ भाई ज़किया रिश्ता तो वाकई अच्छा लगता है। हाँ हाँ तो फिर लड़के वालों से कह दूँ कि आके लड़की को देख लें, और अगर लड़का देखना हो तो उनसे भी कहा जा सकता है, क्यों? हाँ ठीक है बहन, नहीं मगर मुझे मौलवी साहब से पहले बात कर लेने दो। क्या है ना कि लड़की के बाप का चेहरा अभी गुजरा है, तो हमारे सिवा तो उसका कोई है नहीं। प्लीज चुप हो जाओ, आज नहीं तो कल ये होना ही था। तुम्हें अब समझ आएगी मैं क्यों इजाजत मांग रही थी तैमूर के दफ्तर जाने की। मैंने अम्मी की आंखों में ये सब कुछ पहले देख लिया था, अब्बा भी मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो दोनों बेचारे तुम्हारी जिंदगी के मसलों का हल तुम्हारे आने वाले रिश्ते में देख रहे हैं। ये तो अब रोज रोज का है, तुम किस किस बात पर रोगी कि मुझे नहीं जोड़ना किसी के साथ रिश्ता? क्यों मुझे जबरदस्ती किसी के पल्ले बांधना चाहते हो? हमारे माशरे में एक तन्हा लड़की की जिम्मेदारी को बोझ समझा जाता है। क्या एक मर्द का साथ इतना जरूरी है कि उसके अलावा औरत का हर रिश्ता हर तारुफ अधूरा समझा जाता है? शायद ऐसे ही है, औरत की अपनी छत होने के बावजूद भी वो बिना मर्द के बेसाइबा ही समझी जाती है, और शायद कोई औरत के दिल का हाल जानना भी नहीं चाहता है। खैर तुम रोना बंद करो वरना मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। अब
इश्क पने ना दर्द कहानी।